हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ऑटोकैड की सेटिंग कैसे सेट की जाती है वो बताऊंगा, और उसमें लेयर्स को कैसे क्रिएट किया जाता है वो मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम ऑटोकैड को ओपन कर लेंगे। ऑटोकैड को ओपन करने के बाद हमारे पास सबसे पहले इस तरीके का कुछ इंटरफेस आता है। इस तरीके की स्क्रीन जब आती है तो हमारे पास नॉर्मली मीटर पे ड्राइंग रहती है ये, लेकिन जो मीटर पे ड्राइंग रहती है तो उस पे हमारे पास जो डायमेंशनिंग वगैरह रहती है वो काफ़ी छोटी या बड़ी या पॉइंट के बाद 4 या 5 डिजिट के नंबर्स होते हैं जो हमें उसको सेट करना होता है। तो सबसे पहले हम UN इंटर करके यूनिट्स को ओपन कर लेंगे। यूनिट को ओपन करने के बाद हम डेसिमल रखेंगे टाइप को और प्रिसीजन को 0.02 रख लेंगे। इसके बाद हम अपनी यूनिट्स को मीटर पे, अगर हमें काम करना है तो मीटर इसको सेट कर लेंगे। मीटर को सेट करने के बाद हम इसको ओके कर लेंगे। इसके बाद हम अपने उसमें हमारे पास कुछ इस तरीके का स्क्रीन हमें शो होगी। इसके बाद हम डायमेंशन की सेटिंग ओपन कर लेंगे, जिसके लिए हम डायमेंशन की सेटिंग को ओपन कर लेंगे। डी इंटर करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा, जिसे हम मॉडिफाई पे क्लिक करके सबसे पहले हम इसमें लाइंस में चले जाएंगे। लाइंस में जाके हम यहाँ चेक कर लेंगे, हमारा सारा बाइलियर होना चाहिए। सारा हम बाइलियर इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ये हम सारा बाइलियर इसको सेलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद हम सिंबल एंड एरोज पे चले जाएंगे, जहाँ हम सबसे पहले एरो हेड्स को सेट कर लेंगे। क्लोज फील्ड, जो जहाँ पे भी क्लोज फील्ड आ रहा है, इसको हम सारा आर्किटेक्चरल ट्रिक टिक करके इसको क्लिक कर लेंगे, और लीडर को हम क्लोज फील्ड ही रखेंगे। और जो हमारा एरो का साइज है वो 0.018 हम इसको रहने देंगे। और इसके बाद हम टेक्स्ट की सेटिंग पे आ जाएंगे। टेक्स्ट की सेटिंग पे आने के बाद भी हम इसको टेक्स्ट कलर को हम बाइलियर ही रखेंगे, और फिल कलर को हम बाइलियर कर देंगे। सॉरी, फिल कलर को हम नॉन ही रखेंगे, क्योंकि हमें टेक्स्ट के ऊपर कलर को फिल नहीं करना है। इसके बाद हम अपनी टेक्स्ट की हाइट चेक कर लेंगे। टेक्स्ट की हाइट हम 0.18 से लेके 0.20 या 0.22, अगर हमें बड़ी डायमेंशन चाहिए तो हम थोड़ा बढ़ा लेंगे इसको, वरना नॉर्मली 0.18 हमारा एक स्टैंडर्ड हाइट रहती है टेक्स्ट की। इसके बाद हम अपनी प्राइमरी यूनिट्स को चेक कर लेंगे। प्राइमरी यूनिट्स पे हम यूनिट फॉर्मेट हमारा डेसिमल ही रहेगा, और प्रिसीशन इस पे हम 0.00 कर लेंगे। और इसके बाद हम अपना राउंड ऑफ भी चेक कर लेंगे। राउंड ऑफ हमारा 0.00 ही रहना चाहिए। और हम इसके बाद हम अपना सरफिक्स को एम पे कर देंगे, क्योंकि मीटर हमें शो होना चाहिए डिजिट के बाद, तो हम इस पे एम इंटर कर लेंगे। इसके बाद हम इसको ओके कर लेंगे और सेट करंट करके इसको क्लोज कर देंगे। इसके बाद ये देख सकते हैं हम, हमारी जो डायमेंशन है वो अब 2 डिजिट पे आ गई है पॉइंट के बाद, और उसके बाद हमारा मीटर भी इस पे शो हो जा रहा है। मीटर को हमने एम इस पे डाल दिया है। अब आप इस पे देख सकते हैं, नॉर्मली हम कोई भी डायमेंशन डालते हैं तो वो उसी तरीके से शो होगा। जैसे हम 3 मीटर की कोई लाइन लेते हैं, और इसके बाद हम डायमेंशन की कमांड लेते हैं DLI। इसको हम जब देखते हैं तो ये 3 मीटर इस तरीके से दिखाता है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि हम लेयर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हम जैसे अलग अलग अपनी वॉल्स के लिए अलग कलर का अलग लेयर लेना चाह रहे हैं, उसकी थिकनेस अलग देना चाह रहे हैं, उसका कलर अलग देना चाह रहे हैं, और अपने डोर के लिए अलग कलर, फर्नीचर के लिए अलग कलर लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम
कैसे लेयर क्रिएट कर सकते हैं वो हम सबसे पहले वो हम अब देखेंगे। सबसे पहले हम लेयर्स को ओपन करने लेंगे। लेयर्स को ओपन करने के लिए हम लेयर्स की कमांड ले लेंगे, एल ए करके हमारी कमांड आएगी। एल ए एंटर करके हम कुछ इस तरीके से हमारे लेयर यहाँ पे इस तरीके से का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद हम सबसे पहले जो हमारा जीरो लेयर है इसको इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इस पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे हम नीचे कहीं पे भी अगर राइट क्लिक लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, जिसमें हम न्यू लेयर करके कोई भी न्यू लेयर करके हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं इसके बाद हम अपना जैसे वॉल हम लेना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो वॉल हम सेलेक्ट इस पर नेम कर देंगे इसका, और यहाँ पे जो इसका कलर है कलर को हम रेड कर लेंगे, और लाइन हमारी कंटिन्यू ही रहेगी। और इसके बाद हम इसका लाइन वेट को थोड़ी मतलब थिकनेस इसकी बढ़ा देंगे। वॉल की नॉर्मली हम 0.30 लेते हैं लाइन वेट, तो हमने इसका 30 रख लिया। इसके बाद हम इसी तरीके से सेम तरीके से दूसरी कोई लेयर बना लेंगे। न्यू लेयर पे हमने क्लिक कर लिया। इसके बाद हम इसको डोर इस लेयर को दे देते हैं नाम, तो हमने डोर इसको ले लिया, और इसका हमने रेड की जगह इसको हमने किसी और कलर पे अपना ले लिया। ये मैंने डोर का ले लिया। इसी तरीके से मैं विंडो का भी बना लूँगा। ये मैंने विंडो का कलर ने यहाँ पे कोई और कलर विंडो का ले लिया, और हमें इसका थिकनेस भी थोड़ी कम ले लूँगा। जैसे मैंने डोर का 0.15 ले लिया, और विंडो का भी मैंने 0.15 ले लिया। इसी तरीके से मैं बाकी सारी लेयर भी बना लूँगा जो मैं यूज करना चाहूँगा, और जब मैं सारी लेयर बना लूँगा और उसकी थिकनेस उसी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लूँगा, तो फिर मैं यहाँ पे इसको सेट करेंट करके सेव कर लूँगा। इसके बाद मैं यहाँ से अगर मुझे वॉल क्रिएट करनी है तो मैं वॉल की लेयर पे उसको बना सकता हूँ। और विंडो अगर मैं मुझे बनानी शो करनी है तो मैं विंडो की लेयर से इसको बना सकता हूँ इस तरीके से। तो इस तरीके से हम अपना जो कैट की सेटिंग है सेटिंग को ठीक कर सकते हैं, और उसके बाद इस पर लेयर बना सकते हैं कैट पे।